नमस्कार दोस्तों, टेक टू टेक चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपका जो गीजर का पानी है तो चलते चलते आपका ठंडा पानी आने लगता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये हमारा गीजर है, चलते चलते बंद हो गया, गर्म पानी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से खोल लेंगे। उसके बाद में इसका जो एलिमेंट होगा, ये देख लीजिए दोस्तों, ये एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, एलिमेंट के दो टर्मिनल होते हैं, ये देख लीजिए दो। ये मेन है, इसमें आपको टेस्टर से लाइन टेस्ट करनी है। पहले लाइन आनी चाहिए इसमें, ये इसमें लाइन आ रही है, ये देख लीजिए टेस्टर का लाइट जल रही है। अच्छे से ध्यान से देखिए टेस्टर की तरफ, ये लाइट आ रही है देख लीजिए। और ये न्यूट्रल है, इसमें लाइट नहीं आनी चाहिए अगर आपका एलिमेंट ख़राब है तो, ठीक है। इसमें लाइट नहीं आ रही है, आपका गीजर काम नहीं कर रहा, इसमें लाइट नहीं आ रही है, उसमें लाइट आ रही है, इसका मतलब थर्मोस्टेट खराब सही है आपका और एलिमेंट आपका ख़राब हो गया, इसमें लाइट नहीं आ रही है। अगर इन दोनों में लाइट आती है तो आपकी न्यूट्रल की वायर कहीं से डैमेज होती है, ये इसका चेक करने का तरीका होता है। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये हम आपको थर्मोस्टेट भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये थर्मोस्टेट की पिने हैं, दोनों तरफ जहाँ पे तार लगती है उन पे नीचे से उसको पेचकस लगा के टेस्ट करना है आपको। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये नीचे है, ये यहाँ पे आपको जहाँ पे तार लगी है उसकी पिन पे टेस्ट करना है आपको लगा के, क्या लाइन आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, इसमें लाइन आ रही है, ये देख लीजिए टेस्टर में देखिए अच्छे से लाइट जल रही है, आउटपुट पे आ रही है, इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट सही है। ये देख लीजिए, ये इनपुट है और आउटपुट पर आ रही है, इनपुट और आउटपुट दोनों ओके हैं और हमारा न्यूट्रल भी ओके है। इसका न्यूट्रल में हमारा टेस्टर नहीं जल रहा, इसका मतलब हमारा न्यूट्रल भी ओके है और हमारा गीजर का एलिमेंट ख़राब है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।